अस्सलाम वालेकुम बच्चों बच्चों आज हम अपनी पोएम पढ़ते हैं 10th क्लास की। द रेन बारिश है इसका मतलब। लेकिन जैसा कि मैंने लिखा है कि ये एक सिंबॉलिक पोएम है, तो सिंबॉलिक पोएम जो है ये हमें एक तो अपरेंट मीनिंग देती है और एक हिडन मीनिंग होते हैं। तो जो अपरेंट मीनिंग है उसके हिसाब से तो ये एक सिंपली रेन के बारे में कि रेन किस तरह पड़ रही है और सब कुछ किस तरह खिर रहा है, धुल रहा है, इसके बारे में है। लेकिन इट आल्सो हैज सम सिंबॉलिक मीनिंग। तो सिंबॉलिक पोएम जो है वो हमेशा सोसाइटी को बेहतर करने के लिए माइल्ड वे में बताया जाता है। तो बेहतर करने के लिए सिंबॉलिक पोएम्स जो हैं वो यूज़ की जा रही होती हैं। तो आज जो द रेन पढ़ रहे हैं इसको भी हम देखते हैं कि ये एक सिंबॉलिक पोएम भी है, साथ में इसमें मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन वगैरह भी आपको मिलेंगे। पहला पैरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग नियर। मैंने पत्तों को करीब ही पीते सुना। रेन बारिश का पानी पीते सुना। अब पीना जो है ये ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स होता है, तो यहाँ पर चूँकि ये पौधों के लिए इस्तेमाल हुआ है, पत्तों के लिए, तो ये पर्सोनिफिकेशन होगी। आई हेयर रिच लीव्स ऑन टॉप। मैंने सुना कि जो ऊपर वाले भलाई पत्ते हैं, गिविंग द पुअर बनीथ, नीचे गरीबों को दे रहे हैं, गरीब से मुराद नीचे वाले पत्तों को दे रहे हैं, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, कतरा कतरा करके। इट्स अ स्वीट नॉइज टू हेयर। सुनने में ये बहुत खूबसूरत आवाज़ है। दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, कि ये सब्ज़ पत्ते कहीं पास ही पानी पी रहे हैं। इन दीज लाइन्स पोएट गिव्स अपरेंटली टेल्स अस दैट द रेन इज ड्रिंकिंग वाटर, दैट लीव्स आर ड्रिंकिंग वाटर, रेन इज़ फॉलिंग ऑन द टॉप लीव्स एंड लेटर ऑन आफ्टर फुलफिलिंग देयर क्वेंच द अपर लीव्स गिव्स बनीथ द लोअर लीव्स कॉइन आफ्टर कॉइन, यानी कि ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप टू द पुअर लीव्स। और अगर सिम्बॉलिकली देखा जाए तो इट्स मीन रिच लीव सिम्बोलाइज द रिच पीपल हु गिव्स आर्म्स टू अ पुअर कॉइन आफ्टर कॉइन एंड देन फर्स्ट फुलफिल देयर नीड्स एंड देन गिव कॉइन आफ्टर कॉइन टू द पुअर पीपल टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। बट पोएट सेज दैट दे गिव्स नो डाउट इट्स माइनर पार्टिसिपेशन फ्रॉम द रिच पार्ट ऑफ रिच, बट इट्स अ ग्रेट पार्टिसिपेशन फॉर देम बिकॉज इट गिव्स अ स्वीट नॉइज दैट दे सिंपथाइज द पुअर पीपल। सेकेंड पैरा, एंड वैन द सन कम्स आउट, और जब सूरज निकलता है, आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, इस बारिश के ख़त्म होने के बाद, अ वंडरस लाइट, वंडरस आँखों को खीरा करने वाली खूबसूरत रोशनी, विल फील भर देगी ईच डार्क, हर स्याह राउंड ड्रॉप गोल कतरे को, यानी कि हर स्याह कतरे को भर देगी, किससे, वंडरस लाइट से, खूबसूरत रोशनी से। आई होप द सन शाइंस ब्राइट, मुझे उम्मीद है कि सूरज तेज़ चमकेगा। इट विल बी अ लवली साइट, और ये एक खूबसूरत मंजर होगा। तो दूसरे पैरे में सिंपली वो बता रहा है कि अपरेंटली पोएट टेल्स अस दैट सन विल शाइन, इट विल फील ईच डार्क ड्रॉप विच इज़ ऑन द अपर लीव्स आर ऑन अ लोअर लीव्स, बट इट विल वंडरस लाइट, इट विल गिव वंडरस लाइट टू एवरी ईच ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ रेन एंड देन इट विल शाइन इक्वली ऑन ऑल। बट अगर हिडन मीनिंग्स देखे जाएँ तो हिडन या सिम्बोलिक मीनिंग में यही है कि वैन नेचर जो है, सन जो है वो नेचर को सिम्बलाइज कर रहा है, तो नेचर फॉल्स अपॉन एवरी वन इक्वली एंड देन इट गिव्स शाइन, एवरी वन विल गेट हिज पार्ट फ्रॉम द नेचर, गॉड इज गिव्स ब्लेसिंग टू ऑल इक्वली। तो ये पॉइंट जो है सिम्बॉलिक और हिडन मीनिंग दोनों दे रही है। इसमें आप लोग देखेंगे कि इसमें आप लोगों को कॉनोटेशन और डेनोटेशन जो हम कर चुके हैं वो भी मिलेगा, और सिमिली वगैरह भी आप लोगों को इसमें से ढूंढनी होगी। आई होप सो समझ आई होगी। आप लोग इस पर तवज्जो देंगे और पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।